हेलो स्टूडेंट्स, ये साइंस टेस्ट सीरीज का 23वां पार्ट है, 23rd पार्ट है। और सबसे पहले हम लोग 22वें पार्ट का उत्तर करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अनुवंशिक रोग है कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता। दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो भी अनुवंशिक रोग है हिमोफीलिया जेनेटिक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर H1N1, स्वाइन फ्लू का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू का नाम है H5N1, ध्यान रहे आता है। और चौथे प्रश्न का उत्तर है 2009 में स्वाइन फ्लू मैक्सिको में मिला था पहला केस। पांचवें प्रश्न का उत्तर है डाउन सिंड्रोम, ये भी अनुवंशिक रोग है, पहले गुजर चुका है 21वां क्रोमोजोम में, 21वें क्रोमोजोम के कारण होता है। छठा प्रश्न का उत्तर है मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। सातवां प्रश्न का उत्तर है फेफड़ा न्यूमोनिया के कारण फेफड़ा प्रभावित होता है। आठवां का है मस्तिष्क अल्जाइमर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नौवां का है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पार्किंस रोग से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और दसवां प्रश्न का उत्तर है यकृत लीवर पीलिया यानी जॉन्डिस से लीवर प्रभावित होता है। तभी आप देखते हैं ना जॉन्डिस में बहुत हल्का खाना खाया जाता है क्योंकि लीवर पर ज़्यादा जोर ना पड़े, जूस पीना पड़ता है और खीरा वगैरह खाना पड़ता है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? दूसरा प्रश्न, पूर्ण स्मृति लोप को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण स्मृति लोप यानी पूरे तौर पे मेमोरी खत्म हो जाना। तीसरा प्रश्न, ट्रिपल एंटीजन किन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? ट्रिपल एंटीजन। चौथा प्रश्न, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? और पांचवा प्रश्न, आमतौर पर कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दशाओं से संबद्ध होता है? छठा प्रश्न, साल्मोनेला ट्राइकोमा किसका कारण है? साल्मोनेला ट्राइकोमा कौन सी बीमारी पैदा करता है? और सातवां प्रश्न, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा रोग होता है? आठवां प्रश्न, अनियमित ऊतक वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? नौवां प्रश्न, किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? और दसवां और अंतिम प्रश्न, खुजलाने से खाज मिटती है उसकी क्या वजह है?
तो चलिए आप इसका उत्तर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर करें और अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखें, बार बार सुने और देखें आप कितना सही कर पा रहे हैं। आपका 10 में 10 सही होना चाहिए, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार में सारे सही होना चाहिए। आप बार बार सुनते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।